प्यारे बच्चों, हम लोग पिछले क्लास में भाषा अभ्यास पुस्तक के संजय की पतंग नामक शीर्षक का 49 और 50 पेज किए थे। आज हम लोग पेज 51 और पेज 52 करने जा रहे हैं। तो बच्चों, यहाँ देखते हैं, समझ कर पूरा कीजिए। क्या समझ कर पूरा करना है? यहाँ पतंग लिखा हुआ है, यहाँ पतंगे लिखा हुआ है। पतंगे क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि यहाँ बताया गया है कि एक से अधिक है, एक से अधिक है। पतंग एक है और जब पतंगे लिख दिए तो कई है, एक से अधिक है, इसलिए हम पतंगे लिखे हैं। यहाँ देखिए, तीन चित्र पतंगों का बना हुआ है। उसी तरह पंखा, यहाँ पर पंखा लिखा हुआ है और यहाँ पे एक दो तीन, तीन पंखे हैं, तो यहाँ पर हम पंखे लिखेंगे। प में अनुस्वार, ख ख में एकार, पंखे। उसी तरह यहाँ झंडा है, एक से अधिक झंडा है, तो हम झंडे पढ़ेंगे। यहाँ क्या पढ़ेंगे? झंडे। झंडे, एक बंगला, और यहाँ अनेक बंगला, एक से अधिक बंगला है तो बंगले लिखेंगे। बंगले कैसे लिखते हैं? पहले ब लिखते हैं, उसमें अनुस्वार लगाते हैं, फिर ग लिखते हैं, और उसके बाद ल में एकार लगाते हैं, बंगले। तो यहाँ पर दो बंगले हैं। अब हम लोग फोर्थ देखते हैं, क्या है फोर्थ? सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। आगे एक वाक्य दिया हुआ है, कमें वह भी नीले डैश की डोर लाई है। रंग और भंग में से कौन होगा बच्चों? आप लोग को कौन लग रहा है? यहाँ रंग होगा, तो हम लोग यहाँ पर रंग लिखेंगे। र के ऊपर अनुस्वार ग, रंग। ख ख में खाली जगह दिया हुआ, पहले नदी तेज बहती है, यहाँ गंगा और यहाँ धीरे। गंगा नदी तेज बहती है, यहाँ पर गंगा लिखेंगे। उसके बाद ग, मेले में सबको बड़ा डैश आया, मस्ती या आनंद। मेले में सबको बड़ा आनंद आया, यहाँ पे आनंद होगा। घ, चलो आज डैश उड़ाएं। पतंग या पंखा, दोनों में से क्या उड़ाना है? पतंग उड़ाना है। चलो आज पतंग उड़ाएं। अंगा, मोर के डैश अच्छे होते हैं। मोर के क्या अच्छे होते हैं? झंडा या पंख, मोर के पंख हैं वो अच्छे होते हैं, यहाँ पे हम पंख लिख देंगे। प में अनुस्वार ख, पंख। ये हो गया बच्चों। तो इस तरह हम लोग पेज 51 भर लिए हैं। आप भी इस तरह जोर जोर से पढ़ करके भरिएगा। अब हम लोग पेज 52 देखते हैं, उसमें क्या दिया हुआ है। पांचवा, दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए। यहाँ पर चित्र दिए हुए हैं जिसको ध्यान से देखना है, और सबसे मजेदार बात यह है कि इसको पढ़ने से हम सप्ताह के 7 दिन होते हैं ये भी पढ़ लेते हैं। यहाँ पे 6 ही दिन दिए हुए हैं, रविवार नहीं दिया हुआ है, लेकिन रविवार हॉलीडे होता है और रविवार सबको पता होता है, बच्चों को सब रविवार का इंतजार करते हैं कि उस दिन हम लोग अच्छा से एक साथ घर में सब रहेंगे और मनाएंगे। अब चित्रों के अनुसार वाक्य बनाएंगे, चित्र में जो देख रहे हैं उसके अनुसार वाक्य बनाएंगे। पहला क हमारे मदद के लिए बनाया हुआ है, सोमवार को रेलगाड़ी पर बैठे। हम लोग पहला में देख रहे हैं कि बच्चे सोमवार को रेलगाड़ी पर बैठ रहे हैं। उसके बाद चित्र 2 में देख रहे हैं,
मंगलवार है, मंगलवार को बच्चे जहाँ चाहना जाना चाहते थे वहाँ पहुँच चुके हैं, अब वे रेलगाड़ी से उतर रहे हैं। मंगलवार को रेल गाड़ी से उतरे बुधवार को नाव पर सैर किए। बुधवार को नाव पर सैर किए। घर में क्या करना है, बृहस्पति वार को चिड़ियाघर देखने गए। यहाँ बृहस्पति वार में देख रहे हैं बच्चे चिड़ियाघर देखने गए हैं। बृहस्पति वार को गुरुवार भी कहते हैं। बृहस्पति का स्पेलिंग हार्ड है, आप इसको पढ़ते हुए याद भी कीजिएगा और उसके बाद अपने बुक में लिखिएगा। बृहस्पति वार को चिड़ियाघर देखने गए, चिड़िया घर देखने गए। शुक्रवार को मछली घर देखे, शुक्रवार को मछली घर देखे। शनिवार को रेलगाड़ी से वापस लौट आए, शनिवार को रेल गाड़ी से वापस लौट आए। बच्चों इस तरह से हम लोग लिखेंगे। 52 और 52 पे आपका होमवर्क है। जिस तरह से किताब में बताए हैं उसी तरह से किताब में कीजिएगा। ये आपका होमवर्क है और भेजिएगा, कोई परेशानी होने से पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।